तो बिस्वानी क्लास में मैं अनिल बिस्वानी एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। रात के 9 बजे की इस क्लास में आप सभी मेरे साथ हैं और ये लैंग्वेज और लिटरेचर का बेहतरीन संगम लेकर के मैं हाजिर हूं। और बच्चे हमारे बात कर रहे हैं ये सिंगिंग और डांसिंग की क्लास है। नहीं नहीं जी नहीं, ये लैंग्वेज और लिटरेचर की क्लास है, ये सिंगिंग और डांसिंग की क्लास नहीं है। आ जाइए आ जाइए, फटाफट आ जाइए और चलते शुरू करते हैं। ये LT TGT PGT का कॉम्बो बैच चल रहा है और गरीबों की इस कोचिंग में सभी गरीबों का स्वागत है। चलते हैं गरीबों की कोचिंग का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर केम लास्ट। कितने क्वेश्चन करवाए थे मैंने, ये हो गया था, ये लास्ट क्वेश्चन था आज का पहला क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 31 सीरीज का, जो 1000 क्वेश्चन पे जाके खत्म होगी लिटरेचर के और 1000 लैंग्वेज के, इन दोनों का 2000 क्वेश्चन ये खत्म हो जाएंगे, फिर आगे की सोचेंगे। अभी 2000 1000 क्वेश्चन का एक बना लिया है मैंने सीरीज और वो आपके लिए आ रही है। ठीक है, आ जाओ भैया आ जाओ वनांजा। चलो शुरू करो। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स वुड बी एन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर अ क्लास ऑन द लिटरेचर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। अगर ब्रिटिश एम्पायर की लिटरेचर की बात करें तो निम्न में से कौन से राइटर का नाम ले सकते हैं। तीन राइटर दिए हैं, चौथा ऑप्शन दिया है, एनी ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी आपको आंसर देना है। बी उत्तर दे रहे हैं एडवर्ड फिट्जरॉल्ड, 29 का लक्ष्मी राठौर। अब देखना पीछे से उत्तर जो आएंगे वो सब बी आएंगे, बी 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 बी, सब बी का उत्तर देंगे। ये हिंदुस्तान है हमारा, महान देश हमारा। अब देखो एक लोग ए बता रहे हैं, रुडयार्ड किपलिंग। अच्छा भाई रुडयार्ड किपलिंग क्यों, क्यों एडवर्ड फिट्जरॉल्ड ने, जेरार्ड ने कुछ नहीं किया लिटरेचर के लिए। अगर ब्रिटिश एम्पायर की लिटरेचर की बात करें तो क्या शार्लोट ब्रॉन्टे ने कुछ नहीं किया, ब्रॉन्टे सिस्टर्स में से शार्लोट ब्रॉन्टे ने कुछ नहीं किया, एडवर्ड फिट्जरॉल्ड ने नहीं किया, तो क्या रुडयार्ड किपलिंग ने किया। अरे बिटिया, अरे भैया, मेरे लल्ला, ये तीनों में से कौन हो सकता है। ये एनी आप दीज बेटा, ऑप्शन देखो यहां, ये क्वेश्चन सिर्फ तुमको उल्लू बनाने के लिए था भाई। आप समझो यहां जितने भी ऑप्शंस में राइटर्स दिए हैं वो सभी ब्रिटिश एम्पायर के लिए इंग्लिश लिटरेचर। अगर हम लिटरेचर आप ब्रिटिश एम्पायर की बात करेंगे तो ये तीनों कवर करेंगे भाई, उसमें एक को कैसे निकाल सकते हो। अरे नहीं, ये नहीं, मतलब कहने का ये है कि निम्न में से कौन राइटर, जैसे मैं क्लास आल लेना चाहता हूं और मैं क्लास लेना चाहता हूं कोई राइटर की और मेरा सब्जेक्ट है द लिटरेचर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, तो मैं तीनों में से किसका नाम लेकर के क्लास शुरू कर सकता हूं। मैं तीनों में से किसी का भी नाम लेकर के ब्रिटिश एम्पायर की इंग्लिश को शुरू कर सकता हूं। बात समझ गए। हो गया पोपट, पहले क्वेश्चन पोपट बना दिया आपको, तो बेटा ये पोपट है, ये एनी ऑफ दीज। आंसर देखो ना पहले उसका, उसका जो तीसरा वाला है उसको भी तो देखो, एनी ऑफ दीज कैन बी देयर भाई, तीनों लिखे हैं ना उसके लिए। क्वेश्चन नहीं समझते हैं। सीमा रानी बड़ी सयानी बहुत दिन बाद दिखानी, सीमा रानी बहुत सयानी और बहुत दिन बाद दिखानी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड नहीं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, यानी ये दौर है 1914 से 18 के बीच का। और कहता है देखो कितना गंभीर क्वेश्चन है ये, आपको तीनों राइटर्स, चारों राइटर्स जो यहाँ दिए हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप जान पाओगे कि कौन है जो वर्ल्ड वार जब चल रहा था तब लिख नहीं रहा था इन चारों में से। तो आप जरा बताने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको उत्तर बताता हूँ। बहुत गजब का क्वेश्चन है आज, ये जो 1000 क्वेश्चंस हैं ये लाजवाब है बिल्कुल, इनका उत्तर ही आपको लाजवाब देना है, और लाजवाब आंसर और लाजवाब क्वेश्चन।
वाह, राइमिंग है, राइमिंग तो बनी जाती है बेटा। चलो चलो चलो, वर्ल्ड वार फर्स्ट में अफेक्ट किया द राइटिंग्स ऑफ मेनी ऑथर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स वुड नॉट हैव बीन टच्ड बाय द दैट इवेंट, इस घटना से कौन प्रभावित नहीं हुआ। ए उत्तर दिया जा रहा है, अच्छा डी उत्तर दिया जा रहा है, प्राची ने ए दिया है, रमेश भैया ने डी दिया है, मन मंदर ने ए दिया है। अब कुछ लोग ए बोलेंगे, कुछ लोग डी बोलेंगे, अब कोई बी नहीं बोलेगा न, अब पता किसी को कुछ नहीं है। अरे ए इलियट भैया 1888 में जन्म हुआ था, 1888 में हुआ था कि नहीं, तो 88 में हुआ तब तो ये लिटरेचर बढ़िया लिख रहे थे जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो टच दे पूरी तरह इन्फ्लुएंस दे, कितना सारा लिटरेचर लिखा उन्होंने, पढ़ाया नहीं हमने टीएस लिए, तो टीएस लिए पढ़ा तो वर्ल्ड वार के आसपास उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी थी तो ये तो हो ही नहीं सकता, अब तो गए तो बस। और ये सीज फ्राइड सेजन्स जो है, ये भी उसी के आसपास के, विल्फ्रेड ओवन। अब जरा हम उत्तर आपको बता दें, ये है इसका उत्तर, देखो उत्तर अब समझो, आपको आप इसके आप इसकी जरा गहराई को समझो बेटा प्रश्न की। आपको इन चारों राइटर्स की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ याद होगी, मतलब अंदाजा होगा किस एरा के ये राइटर्स हैं, तभी आप कर पाओगे। आप जरा देखो यहां अब देखो ना, देखो टी एस एलियट 1888 में जन्म हुआ और 1965 में इनकी डेथ हुई, तो ये तो पूरी तरह से प्रभावित थे। सीज फ्राइड सेजन्स ये 1886 में पैदा हुए और 1976 तक इनकी राइटिंग एबिलिटी जिंदा थी, तो ये भी नहीं हो सकते, ये भी थे वर्ल्ड वार में अफेक्टेड थे। अब विल्फ्रेड ओवन ये 1893 में पैदा हुए, 1818, इन्होंने तो खूब सारी पोएट्री लिखी है वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान। ऑस्कर वाइल्ड का जन्म 1854 में हुआ था और 1900 में इनकी डेथ हो गई थी, और ये तो वर्ल्ड वार से अफेक्ट हो नहीं सकते क्योंकि ये थे ही नहीं उस समय। हाँ आपने बताया था बिल्कुल, ऑस्कर वाइल्ड, आपने डी बताया था बेटा बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं आकांक्षा बेटा, नई चीजें, जितने क्वेश्चन आपके गलत होते हैं ना उतनी आप नई चीजें सीखते हो, आप उसको नेगेटिव मत लिया करिए कि मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया। जो भी क्वेश्चन आपको गलत होता है वो आपको कुछ दे के जाता है, इसलिए ये गलत होना बहुत अच्छी आदत, बहुत जरूरी है गलत होना क्वेश्चन का, ठीक है ना। 10 10 लिटरेचर के और 10 लैंग्वेज के इतने लाजवाब क्वेश्चन लाया हूं आज कि मजा ही आ जाएगा आपको बस 240 रेजोल्यूशन में भी ऐसा दिख रहा है जैसे, हाँ, पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है बेटा, थैंक यू बेटा, वीडियो क्वालिटी अच्छी होती है तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। और आप क्वेश्चंस दीजिए, आंसर दीजिए मैम। सर मैं भी बताया था, हाँ मीनाक्षी गहलोत बताया था, मैं सबको कैसे, यहाँ 95 लोग अभी तक आ चुके हैं और मैं सबका नाम, जो उत्तर दे रहे हैं सबका नाम नहीं ले सकता, इसलिए बुरा ना माने प्लीज। आकांक्षा राजपूत, लक्ष्मी राठौर, मीनाक्षी गहलोत, अब मैं नाम ही लेता रहूंगा 90 लोगों का तो कैसे काम चलेगा, इन्होंने ये दिया, इन्होंने ये दिया, ये क्या करूंगा मैं, ऐसे ऐसे नहीं कर सकता मैं। द पीरियड ऑफ मेच्योरेशन, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड सोशल ग्रेसेस ड्यूरिंग द रिनेसा इज कॉल्ड, रिनेसा के दौरान जो लोगों के अंदर मेच्योरेशन आया, मेच्योर हुए लोग, अच्छी बातें, मेच्योर बातें आई उनके अंदर, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हुई, उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास हुआ और सोशल ग्रेसेस भी उनकी हुई, यानी सामाजिक रूप से बहुत ही संपन्न और साधन संपन्न हुए वो रिनेसा के दौरान। और ये टोटल चीज जो डेवलपमेंट के दौरान उन्होंने प्राप्त की, लोगों ने प्राप्त की समाज के, ये क्या थी, क्या ये अरिस्टोक्रेसी थी या न्यू एज थी या रिफॉर्मेशन था या एनलाइटमेंट था, ये क्या था। बिल्कुल डी आपका, बहुत बढ़िया उमेश भैया, आपका गलत हो गया, सबने सही दिया। हाँ, अब देखो एक दिन क्लास रख लेंगे जिसमें नाम ही लिया करेंगे, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो ये एनलाइटमेंट, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बिल्कुल ज्ञान का विकास हुआ सभी के अंदर, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन का आंसर था। देखो नेक्स्ट लो, द मोस्ट पॉपुलर फ्रेंच प्ले राइट जीन बैप्टिस्ट पैकलिन इज नोन एज, इनको दूसरे किसी नाम से जाना जाता था, ये बहुत फेमस कवि थे, राइटर थे, लेकिन
इंग्लिश लिटरेचर की, और इनका नाम अगर आपको नया लग रहा है तो ये आप नाम नोट कर लीजिए, जीन बैप्टिस्टी पाकलिन, ये आल्सो नोन एज, इनका एक और नाम था और वो नाम क्या था ये मैं बताऊंगा अभी आपको, लाइक आप सब लोग करते रहे बेटा। अरे कोई बात नहीं आंचल शर्मा, आंचल द्विवेदी और शर्मा दो लोग हैं यहाँ पर, आंचल आधी आंचल द्विवेदी है आधी शर्मा है, आधा आधा पापा की आधा हस्बैंड की। फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, कोई बात नहीं इंद्रपाल भैया आइए बैठिए, और ये हमारा बैच जो है ये जो चल रहा है, आप फर्स्ट टाइम है तो बता दूं मैं, LT प्लस TGT और प्लस PGT का बैच है, और इसमें ये 4 घंटे की क्लासेस रोज होती हैं, 7 बजे AM में होती है, जिसमें वोकैब स्पेशल क्लास है, ये बहुत शानदार क्लास चलती है, और 6 बजे से और 7 बजे से ये 2 क्लासेस बंद चल रही हैं, क्योंकि ये पेड क्लासेस, ये पेड क्लासेस हैं लिटरेचर और लैंग्वेज की, और ये जो 9 बजे है ये प्रैक्टिस की क्लास होती है, जिसमें लैंग्वेज लिटरेचर और वोकैबुलरी तीनों का बहुत बेहतरीन संगम रखते हैं। वोकैबुलरी अभी आगे आएगी, जैसे ग्रामर खत्म होगी ग्रामर की जगह वोकैबुलरी आएगी, लिटरेचर चलती रहेगी, लिटरेचर के ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। तो ये 4 घंटे की क्लासेस अभी मैं दे रहा हूँ, LT प्लस TGT प्लस PGT का। अभी जो कोर्स कवर हो रहा है वो केवल LT ग्रेड का है, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन 15 जनवरी के आसपास बिल्कुल आने वाला है, तो यही पहले कंप्लीट करेंगे और इसी को पहले बहुत सारे बच्चों को इसमें डाल देंगे, और फिर TGT PGT के लिए नए एडमिशन्स लेकर के और नए नई वैकेंसी नए बच्चे जो है। मॉलरी बिल्कुल बिल्कुल ह्यूमर लिखा था और ये मॉलरी ही था, ये बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया रमेश भैया, बहुत अच्छी स्टडी है आपकी बेटा, आप हमारे जनार्दन शुक्ला और अशोक बनने वाले हो अगले, अशोक भैया को हमारे टाइम नहीं मिलता है आजकल, आते नहीं है, लेकिन ठीक है कोई शिकायत नहीं है, अब जिंदगी का मजा लीजिए, अब हमेशा आपने बहुत समय मुझे दिया है, बहुत ज्यादा समय दिया है, 4-5 महीने 4-4 घंटे आप हमारे साथ रहे, अभी आप इंजॉय करिए जिंदगी को, लाइफ को बेटा, बहुत अच्छा, खूब दिल से आशीर्वाद है और खूब अच्छे से लगे रहिए। द फर्स्ट इंग्लिश वुमेन टू अर्न हर लिविंग एज अ प्ले राइट वॉज, पहली वो महिला राइटर कौन थी जिन्होंने इसको अर्निंग की तरह अपनी राइटिंग से अर्निंग किया, पहली वो कौन थी, पहली कौन राइटर थी जिन्होंने अर्निंग किया, उन्होंने क्या किया, अर्निंग किया यानी अपनी जीविका बना लिया उन्होंने। 35 का बी बता रहे हैं अफरा बेन, बिल्कुल सही है, अफरा बेन ही वो पहली राइटर थी जिन्होंने अपने जीवन में अपना लिया इसको, एक 14 दिसंबर 1660, 16 अप्रैल 1689 को इनकी डेथ हुई और 14 दिसंबर 1640 में इनका जन्म हुआ। ये एक इंग्लिश प्ले राइट नाटककार थी, ड्रामेटिस्ट थी, पोएट थी और प्रोज राइटर्स भी थी, और ट्रांसलेट भी इन्होंने काफी कुछ किया था, रेस्टोरेशन पीरियड की बहुत शानदार कवित्री थी, ड्रामेटिस्ट भी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ ट्रेजिडी, ट्रेजिडी का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये अरिस्टोटल की परिभाषा अगर आपको याद होगी, मैंने कई बार बताया है आपसे, तो उसका उत्तर आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे। चलिए उत्तर दीजिए, प्लॉट, प्लॉट बिल्कुल बिल्कुल, प्लॉट, प्लॉट इज द करेक्ट आंसर। अरिस्टोटल ने कहा था कि प्लॉट जो है किसी भी, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी इज प्लॉट और द फॉर्म ऑफ एक्शन, दिस इज बिकॉज द पर्पज ऑफ लाइफ इज सर्टेन काइंड ऑफ एक्टिविटी एंड ड्रामा मस्ट डिफिक्ट सर्टेन काइंड ऑफ एक्टिविटी फ्रॉम विच वी कैन लर्न, प्लॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ड्रामा, if the plot is very good everything is very good everything will be very good, soul of tragedy plot hota hai, bahut badhiya beta, ye lo agla question, but god's eternal laws are kind and break the heart of stone, in which poem do these lines appear, ye kis line ki hai, kis poem ki line se, bahut badhiya question hai, aap chaho to isko note kar sakte ho,
आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो, आप रजिस्टर वो जो लिटरेचर का है प्रैक्टिस वाला उसको लेके बैठिए, चार रजिस्टर आपको कम से कम बनाने हैं, ग्रामर का, एक वोकैबुलरी का, अलग अलग सबको बनाइए और बढ़िया सा सजा के रखिए। जो भी क्लास चले, 4 घंटे की क्लासेस चलती हैं, चारों घंटों में ये मच्छर है ना, मक्खी है नालायक, हर क्लास का रजिस्टर निकाल के बैठिए कि स्टूडेंट की तरह बिल्कुल व्यवहार करिए, तभी आप सफलता के नजदीक जा पाएंगे बेटे। चलो ये प्लॉट हो गया बेटा, ये देखो, बट गॉड इटर्नल लॉज आर काइंड एंड ब्रेक द हार्ट ऑफ स्टोन, ये किसका बैलेड है, ये एक बैलेड है और किसका लिखा हुआ है आप बताइए मुझे। 37 का ए, वी आर सेवन, उमेश कुमार ने बताया। आपका दूसरा क्वेश्चन भी गलत हो गया बेटा, ये ये भी गलत हो गया लल्ला। भावना ने कहा है बी, बैलेड ऑफ रीडिंग गोल, ऑस्कर वाइल्ड का, बी ए बी ए बी ए बी ए बी। हाँ रमेश भैया आपका सही है, आप बिल्कुल 37 का बी ही सही होगा। और इसमें थोड़ा सा पढ़िए इसके बारे में, कहता है ऑस्कर वाइल्ड वॉज बॉर्न इन डब्लिन आयरलैंड ऑन अक्टूबर 16, 1854। He attended Trinity College Dublin from 1871 to 1874 and Magdalen College Oxford from 1874 to 1878. At Oxford he received the Newdigate Prize for his long poem Ravenna, the Shrimpton and Sons 1878. He also became involved in the aesthetic movement advancing to the for the वैल्यू ऑफ ब्यूटी इन आर्ट, इसको जो कवि ज्यादा प्रोत्साहित करते थे उन ग्रुप को कहते थे, हम क्या कहते थे उसको कहते थे एस्थेटिक मूवमेंट के पोएट्स, और उनके ये पार्ट रहे ऑस्कर वाइल्ड, जिन्होंने ये माना कि आर्ट में ब्यूटी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। मेरा तो सब रॉन्ग हो रहा है, तो रॉन्ग हो रहा है बेटा उतने आपके सही हो रहे हैं बेटा, जितने आपके रॉन्ग हो रहे हैं ना बेटा उतने आप गेन कर रहे हो आज की क्लास में, आप ऐसे काहे सोचते हो। जो भी आपका लिख लेते हैं क्वेश्चन, हाँ बहुत कम सही होते हैं, हाँ बिल्कुल सब लिख लो बेटे सब लिखो, ये रजिस्टर इसीलिए इतने सारे बनवाए हमने, चार रजिस्टर इसीलिए बनवाए हैं आपको, ठीक है ना। चलो मॉडर्न एज इज एन एज ऑफ, मॉडर्न एज किस तरह की एज है, बहुत प्यारा क्वेश्चन लिटरेचर का। पैसिमिज्म एंड साइनिकल साइनिसिज्म है, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंट्रोवर्सीज है, या सब्जेक्टिविटी है, या ऑल ऑफ द अबव, इन चार ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा। हाँ लिख लीजिए, बिल्कुल लिख लीजिए बेटा, रजिस्टर इसीलिए बनवाया गया। मॉडर्न एज किस तरह की एज के बारे में जानी जाती है, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 38, का डी नहीं है, ना 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 डी नहीं है, विनीत अवस्थी ने उत्तर अपना लॉक कर दिया है, और ये डी नहीं है ये बी है, 38 का डी नहीं है ना, ऑल द अबव नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंट्रोवर्सीज की एज है। मॉडर्न एज में पैसिमिज्म नहीं, साइनिसिज्म नहीं, सब्जेक्टिविटी नहीं, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंट्रोवर्सीज की बहुलता है। तो जब भी ये क्वेश्चन इस तरह से आए कि मॉडर्न एज किसके नाम से जानी जाती है, तो कंट्रोवर्सीज और कॉन्फ्लिक्ट्स के नाम से जानी जाती है। हु इज द ऑथर ऑफ अ बिलीफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, very important question and very known questions, very known question, तमाम सारे लोगों ने इस question के answer को जानते होंगे और उसका नाम भी पढ़े होंगे, और अगर आपने इस बंदे को नहीं जाना जो इसका उत्तर है, मैं बता ही देता हूँ, जो इसका उत्तर है उसको नहीं जाना आपने, तो आपने कुछ नहीं जाना। ये वही व्यक्ति है जो पूरी जिंदगी 23 साल की उम्र के बाद एक कुर्सी पे गुजारता है, कैसे अपने जीवन को चलाता है, किस तरह से संघर्ष करता है अपने शरीर के साथ, और किस तरह से वो उस स्टेज पे पहुंच जाता है फिजिक्स में, उसको सुनने के लिए बड़े बड़े विज्ञानी, बड़े बड़े शास्त्री, बड़े बड़े ज्ञानी केवल एक लाइन में खड़े होते थे, बस ये देखने के लिए कि वो क्या सोचते हैं। उनकी सोच को शब्दों में ढाल कर लोगों को पढ़ाया जाता था, उन पर किताबें लिखी गई, और ये नाम है स्टीफन हॉकिंग्स का। और अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो प्लीज ये आप गूगल पे टाइप जरूर करें एक बार, या ये नाम आप यूट्यूब पे जरूर टाइप करें, इनकी मूवी को जरूर देखें जो इनके जीवन पर बनी है, कि किस तरह से ये कैसे, आप जितने भी निराश होगी, निराशा जिंदगी की ना,
ये मूवीज सब मेरे अंदर के उस काले अंधकार को निकालने में कामयाब रही हैं, और आज मैं बिल्कुल प्रफुल्लित रहता हूँ, किसी भी बाधा से नहीं घबराता, क्योंकि मैंने स्टीफन हॉकिंग्स को पढ़ा है, उनकी जीवनी लाया, अपने बेटे को पढ़ाया, और मेरे बेटे के पास मैंने उसको हिंदी में ला के दिया था, जो क्लास सिक्स में था मेरी बेटी, जो सेवन्थ में थी बिटिया हमारी, अब तो नीट के एग्जाम का इंतजार कर रही है, मतलब उसकी काउंसलिंग का, ठीक है ना, बढ़िया नंबर स्कोर करने के बाद। तो इतना समय पहले मैंने उसको स्टीफन हॉकिंग से हिंदी में ला के दिया था पढ़ने के लिए, क्योंकि सरस्वती विद्या मंदिर से 5 तक मैंने शिक्षा दिलवाई, फिर इंग्लिश मीडियम में उसको कन्वर्ट किया और उसने अडॉप्ट कर लिया अपने आप को, इंग्लिश मीडियम से ही आगे पढ़ी वो। 5 के बाद मैंने उसका मीडियम चेंज करवाया था हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, और उसने अडॉप्ट कर लिया पूरी तरह से, उसके इंग्लिश के गुण उसके अंदर चले गए मेरे। तो ये आप जरूर पढ़ें बेटा, इनकी जीवनी भी है और इनकी मूवी जरूर देखें आप, अगर जिंदगी में जरा भी निराश हैं कहीं तो स्टीफन हॉकिंग्स को जरूर एक बार पढ़ें। ओ कैप्टन माय कैप्टन, जो पोएम रिटन बाय, ये किसकी लिखी हुई है, ये अभी कल या इससे पहले वाली क्लास लिटरेचर की हुई थी, उसमें आप पढ़ चुके हैं इस चीज को, बिल्कुल, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, सॉरी, ये वाल्ट व्हिटमैन की पोएम है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट से पहले मैंने वाल्ट व्हिटमैन को ही पढ़ाया था, है ना, ये पूरी पोएम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और ये हमारे वो अकम्प्लिशमेंट्स हैं जो जिनके जिनके दम पर हम हैं, आप हैं, ये सब स्टूडियो है, हम कैसे एक लैपटॉप पे, छोटे से लैपटॉप पे घर में चुपचाप पढ़ाया करते थे, और आपने मुझे इतना सक्षम बना दिया, इन बच्चों ने मुझे इतना सक्षम बना दिया कि अभी मेरे पास 250 एडमिशन एलटी ग्रेड का हो चुका है, एलटी प्लस टीजीटी का। तो ये सब आपकी देन है, आपकी प्यार और आपकी मोहब्बत की देन है, मेरी मेहनत तो बाद में आती है, अगर उसको कोई देखने वाला सराहने वाला नहीं हुआ, उस खूबसूरती का कोई मतलब नहीं, जिसको कोई चाहने वाला, कोई प्यार करने वाला, कोई प्रशंसा करने वाला ना हो, तो उस टीचर का भी कोई महत्व नहीं, जिसको पढ़ने वाला कोई ना हो, कोई एक फॉलोअर ना हो उसका, कोई स्टूडेंट ना हो उसके सामने बैठने के लिए, तो उस टीचर का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये हमारे वो अकम्प्लिशमेंट्स हैं जिन पर हम खड़े, जिन पर हमें गर्व है, और आप भी एक दिन यहाँ आएंगे इस तरह से, आपको ये सब, आप बहुत सारे लोगों को इसमें आप पर्सनली जानते हैं, ठीक है ना, मैं रोज दिखाता हूँ आपको ताकि आपको प्रेरणा मिले और आप यहाँ पहुंच सके, और ये हूँ मैं उधर कोने में, और ये है बाहुबली बैच जो करंटली चल रहा है, रन कर रहा है। अगला बैच हमारा 15 जनवरी से आने वाला है, 15 जनवरी से नया बैच मैं शुरू करने वाला हूँ एलटी ग्रेड का, एलटी टीजीटी और पीजीटी तीनों का बैच ये कॉम्बो रहेगा। और अब मैं चलता हूँ कहाँ, लैंग्वेज के क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल, ये 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन सा इसमें सही है। हाँ बिल्कुल, मेहनत थी लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते बेटे। अगर आप बेचैनी नहीं दिखाओगे तो मेरे करने से कुछ नहीं होता, ये तो आपको करना है। वी हैव बीन ऑलवेज मोर कंसर्न अबाउट रेस, रिलीजन एंड कास्ट देन अबाउट अवर बींग इंडियंस नेशनल। चारों पूरा सेंटेंस पढ़िए और देखिए कौन सा क्वेश्चन इसमें गलत लग रहा है आपको, कौन सा पोर्शन आपको गलत लग रहा है, विच पोर्शन डू यू थिंक इज रियली रिक्वायर्स एनी करेक्शन। आओ मेरे यारों, आओ मेरे दुलारों, जरा इसका उत्तर दो, हट जाइए, अरे लो हट गए, लो बड़े आए, हट जाए, कौन है नालायक, हमको ही हटा रहा। मित्र लाइक कितने कम है, हाँ लाइक तो कम है भाई, आप लोग ऐसे मत किया करो, लाइक नहीं करोगे तो मजा कैसे आएगा बेटा, बराबर लाइक रहनी चाहिए, है ना। यस, इंडियंस होना चाहिए, और यहां इंडियंस के बजाय इंडियन होना चाहिए, इंडियन नेशनल्स ये नाउन हो जाएगा, राष्ट्र के जो बीइंग इंडियन नेशनल्स, ये ऐसे होना चाहिए, इंडियन नेशनल्स ये एडजेक्टिव है, और इसके पहले हम कभी भी एस का यूज नहीं करेंगे इसके साथ, बिल्कुल बहुत बढ़िया बताया आपने, हाँ बिल्कुल वही गड़बड़ है, वही गड़बड़ है, वही गड़बड़ था, बहुत बढ़िया बढ़िया उत्तर दिया मनु आपने, सबने उत्तर दिया बहुत अच्छा। द 1000 रुपी नोट्स दैट ही गेव देम For the goods
बॉट फ्रॉम देम लुक्ड जेन्युइन, लुक्ड जेन्युइन, ये लुक्ड के लिए 1000 रुपी नोट सब्जेक्ट बना हुआ है, देखिए. बट लेटर दे लर्नड दैट द नोट्स वर ऑल काउंटरफीट, वो सब जाली थे. चला इस सेंटेंस को पढ़िए. माय नया बैच में फाउंडेशन से शुरू करेंगे. फाउंडेशन एक बार पढ़ा दिए, आपका फाउंडेशन नहीं पढ़ाया करेंगे. नए बैच में ट्रांसलेशन शुरू होगा, नया चैप्टर ही रहेगा. नए बैच को शुरू करेंगे हम ट्रांसलेशन से, क्योंकि हमारे पुराने बच्चे भी उसको देखें और नए भी देखें. रुपी होगा, अच्छा हाँ बिल्कुल, यहां 1000 रुपीज नहीं होगा बल्कि रुपी होगा, रुपी. बहुत बढ़िया. द अमाउंट विच यू हैव गिवन मी, यू हैव गिवन मी आर नॉट एनफ एंड आई रिक्वेस्ट यू टू गिव मी अ लिटिल मोर. इसमें मैं ऑप्शन देता हूं आपको, ये सेंटेंस का उत्तर अभी न देना. मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये ए पोर्शन में ए और बी में एरर है, ए एंड बी में एरर है, या बी पोर्शन बी एंड सी में एरर है, या सी पोर्शन सी एंड ए में एरर है, और डी पोर्शन नो एरर है. आप बताओ जरा. देखा जरा जलवा, आप देखो जरा जलवा. और ये कितनी जल्दी मैंने किया, क्यों किया जानते हो? हाँ ज्वाइन कर लेंगे, कोई नहीं, समस्या नहीं है, सब ज्वाइन रहेंगे उसमें, नए बैच में सब रहेंगे साथ में. आप बताओ ये वाला, ये बताओ कि इसमें, देखो इसमें दो एरर, पूरे सेंटेंस में दो एरर्स हैं, तुमको एक ही नहीं मिल रही, पूरे सेंटेंस में दो एरर्स हैं. अब बताओ ए और बी में एरर है, ए और बी में, आप बताओ रमेश भैया कौन सी एरर है? ये है भाई कुछ नहीं, ना 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 ना, ना, ना. Have been the amount which you, अरे have been क्यों भाई, क्यों have been क्यों? इतना confusion क्यों करते हो बच्चे? हाँ ये is आएगा, ये amount के साथ में is आएगा. एक तो error ये हो गई, यानी B में error है और A में error ये है. जरा देखो sentence देखो, मैं कहूं यहां पे यहां से बताओ ये सेंटेंस सही है कि गलत है. ये सेंटेंस सही है कि गलत है? ये सेंटेंस सही है कि गलत है? ये जो अभी लिखा मैंने, बी और सी. स्वेच्छा क्लासेस हैज और ही, अरे क्यों क्यों हैज क्यों, क्या यार ऊट पटांग हरकतें कर रहे हो तुम लोग? अरे यार क्यों पैस्टी को करते हैं उसको, विच बात क्यों नहीं दे? नहीं ना लाए, ये रॉन्ग है. ही हैज गिवन टू मी, ये यहां टू होना चाहिए क्योंकि ये इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बेटा. हाँ ही हैज गिवन मी का मतलब है उसने
मुझे दे दिया। उसने मुझे दे दिया है, मुझे दे दिया है का मतलब जानते हो क्या होता है? मुझे दे दिया का मतलब जानते हो क्या हो? मुझे ऐसे उठाया और दे दिया। जैसे ही ये सेंटेंस मैं ऐसे लिख दूं, ही हैज गिवेन अ बुक, गिवेन अ बुक। अब ये सेंटेंस सही है, ये बुक इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो यहां गिवन के लिए लगा है। तो उसने दिया क्या? बुक दिया। अब यहां देखो, ही हैज गिवन मी, उसने मुझे दे दिया, यानी मुझको ऐसे बुक की तरह जैसे बुक दिया वैसे मुझे दे दिया, तो ये गलत हो गया। हाँ, मुझे ही दे दिया, ये गलत हो गया। यहां पे ही हैज गिवन टू मी इज नॉट, हाँ टू मी होना चाहिए बेटा। ये बारीकियां समझना पड़ेगा। सेंटेंस तो मैंने देखा था, उसके गलती तो वहां पे थी, ये इज वाली, लेकिन वहां एक टाइपो मिल गई मुझे। तो जब टाइपो मिल गई तो मैंने उसको यूज करने का सोच करके ये ऑप्शंस डाल दिए तुरंत के तुरंत, हाथ के हाथ। हाँ, गेव मी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मैं ये समझा चुका हूं बेटा जी, मैं आपको ये समझा चुका हूं कि ये जो हमारी वर्ब होती है, टीवी जो हमारी होती है, जैसे हम कहें आई गेव यू, ये गलत हो गया, ये सही है। आई गेव अ बुक, ये सही है, ये सही है, क्योंकि जो दी गई चीज है वही यहां पर होनी चाहिए। लेकिन ये भी सही है, आई गेव यू अ बुक, ये भी सही है। अब अगर हम यू लगाएं यहां, तो जो चीज दी गई है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद उसको भी लगा दें। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर पहले हम लगाते हैं, ये सब फंडामेंटल में पढ़ाया मैंने, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हम पहले लगाते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यू ही लगा सकते हैं बिना किसी शंका के, बिना किसी स्वभाव के। लेकिन अगर इसको हम ऐसे लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, आई गेव अ बुक। अब यहां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया, तो इनडायरेक्ट जब आएगा तो वो टू लेगा। तो आई गेव अ बुक टू यू, अब ये सेंटेंस तो सही है, आई गेव टू यू, ये सेंटेंस सही है। लेकिन ये सेंटेंस सही नहीं है कि आई गेव यू, ये गलत हो गया। पूरा फंडा समझ में आ गया? हाँ, ये फंडामेंटल में सारी चीजें मैंने समझाया है, अ बुक टू यू, यू अ बुक, ये दोनों सही है, क्लियर हो गया। चलो ठीक है, बढ़िया। अब आ जाओ, ये व्हेन द प्रिंसिपल एंड हिज असिस्टेंट्स वर गोइंग फॉर अ वॉक, द लेटर स्लिप्ड एंड फेल इनटू अ पिट। सरक के गिर गया गड्ढे में, उस तरह के गड्ढे में गिर गया। चलो, ब्रह्म ज्ञान सर, आप समझाए और समझ में ना आया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलो, वाज गोइंग होना चाहिए यहां पर, क्या होना चाहिए? बिल्कुल यहां पर वाज होने, वाज गोइंग होना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल के अनुसार वर्ब लगती है जब जब एज वेल एज, देखो जब एज वेल एज लगता है तो यहां पर जो सब्जेक्ट वन होता है और यहां पर सब्जेक्ट टू होता है, तो ये जो वर्ब लगती है ये इसके अनुसार लगती है। लेकिन जब ये एज वेल एज, सॉरी एज वेल एज, ये एंड में बदल जाता है, एंड में, तो सब्जेक्ट वन और प्लस सब्जेक्ट टू, तो ये दोनों मिलकर के ये प्लूरल बन जाती है। आप समझ में आ रही है बात? इसका मतलब ये वाला पोर्शन, व्हेन द प्रिंसिपल एंड हिज असिस्टेंट्स वर गोइंग, यहां टेंस की कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। समझ रहे हैं बात को? ये बिल्कुल वो वर राइट है बात। हाँ, अब देखो, फॉर अ वॉक द लेटर, ये जो है यहां लेटर स्लिप्ड, ये एल ए टी ई आर लेटर लिखा है, ये एल ए टी टी ई आर होगा बेटा, बिल्कुल। अब जाके क्लियर हुई आपकी बात। बात क्या है इसमें, बात का लोचा क्या है? लोचा ये है कि ये जो हमारा वर्ड होता है लेट, ये एक एडजेक्टिव है लेट,
तो इसके दो प्रकार से बनते हैं, एल ए टी ई आर और एल ए टी ई एस टी, लेटेस्ट। तो ये लेटर हो गया और ये लेटेस्ट हो गया, ये इसकी कंपरेटिव डिग्री हो गई, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। और इसी तरह दूसरा बनता है इसका एल ए टी टी ई आर और एल ए एस टी लास्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री बनती है। तो यहां पर ये लेटर का यूज होगा, लेटर का मतलब है बाद वाला। अब यहां पर जो ये लेटर यूज किया गया है, ये वाला है, लेकिन ये यूज कैसे किया गया है, ये यूज ऐसे किया गया है, लेटर एंड फॉर्मर। तो ये फॉर्मर और लेटर, लेटर एंड फॉर्मर, यहां जब दो व्यक्ति होते हैं, कोई दो व्यक्ति या वस्तु जब होती है और उनमें हमको पहला या दूसरा कहना होता है, तो लेटर और फॉर्मर का हम यूज करते हैं। यहां पर द प्रिंसिपल हमारा फॉर्मर हो गया है और ये हिज असिस्टेंट, ये लेटर हो गए। तो यहां पर वर ये सही है क्योंकि यहां एंड लगा है, लेकिन यहां पर ये जो लेटर है ये गलत हो गया है, यहां पर एल ए टी टी ई आर होना चाहिए। बिल्कुल झक्कास हो गई बात। हाँ, और वो फार्मर और लेटर ये दोनों एक साथ ही यूज किए जाते हैं। अरे का फर्स्ट फार्मर कर रहे हो, फर्स्ट फॉरमोस्ट होता है नालायक। फर्स्ट फॉर्मर से क्या रिलेशन है, वो फर्स्ट अलग है, फॉरमोस्ट के सापेक्ष में उसको कंफ्यूज करते हैं आप। यहां नहीं, फर्स्ट का नाम नहीं लेना, यहां पर बता दिए तुमको, फर्स्ट का नाम नहीं लेना यहां पर, सब एक कैम गड़बड़ कर दो, सब पूरा हलवा बना दो सब। गीता सेज दैट सी इज लिविंग इन द फ्लैट फॉर 10 ईयर्स। आसान सेंटेंस है, सट से करके खट से निकल लो यहां से, जल्दी करो, चलो जल्दी बताओ। हाँ, शोइंग ऑर्डर, यस, लेटर यहाँ, बाद वाला पहले वाला, ये अजीत प्रताप भैया बिल्कुल समझ गए बात को। चलो उमेश बाबू ये बताओ इसका, बोलो 20 का बी, गीता सेज दैट सी इज, हाँ बिल्कुल बी होगा, हैज बीन लिविंग होगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां पर हैज बीन लिविंग होगा क्योंकि टाइम दिया है। बिल्कुल, आई एम हैविंग अ न्यू कार दीज डेज टू गो टू वर्क। आसान सेंटेंस है, आप बता सकते हो इसको, खट से बता दो और फिर निकल लिया जाए। इसको बता बेटा, इसको बताइए जल्दी से। हाँ, फर्स्ट का मतलब है जब एक से ज्यादा हो। बेटा बेटा मेरा लाल, मेरा रत्नेश, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह, तो ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई और ये वाली लास्ट हो गई, ठीक है। लेकिन एक ये है, एक ये है, तो ये फर्स्ट नहीं है, ये फर्स्ट नहीं है, ये फॉर्मर है और ये लेटर है। भेजा में घुसी कि नहीं घुसी रत्ने बिटवा, अब भेजा में आई कि नहीं आई। एक से ज्यादा है तो हम यह फर्स्ट कहेंगे और केवल दो ही हैं तो उसको हम फार्मर कहेंगे। क्लियर हो गई बात, नहीं क्लियर हुई बाबू? रत्नेश बेटवा, के सिंह भैया आते नहीं है क्लास में, आई हैव अ न्यू कार, बिल्कुल सही है। हाँ, तो वो हम बता दिए तुमको ना, समझ गए। तो वहां पर फर्स्ट नहीं जरूरत है, वहां फर्स्ट की जरूरत बिल्कुल नहीं है, कहीं पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, वहां होगा है। Whenever we are not sure about the meaning of a word, take the help of the dictionary. चलो बताओ। ये बोलो, सेंटेंस बोलो। हाँ, वो आई हैव न्यू कार, बढ़िया था, सही है।
अब देखो, हम चाह रहे हैं कि कंफ्यूजन ना हो दिमाग में, बस वी टेक होगा यहां पर, वी टेक होगा यहां पर, वी टेक होगा, क्योंकि अगर यहां वी टेक नहीं लिखोगे तो ये इंपरेटिव बन जाएगा, है ना, ये मतलब है। वहां पर वी दिया है इंडेफिनिट प्रोनाउन, और इसीलिए यहां पर वी इसलिए होना जरूरी है, नहीं तो ये इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा सेंटेंस। नहीं, नो एरर नहीं है बेटा। अगर यहां आप सब्जेक्ट नहीं देते हो तो ये इंपरेटिव हो जाएगा, आर की जगह डू नॉट, नहीं, आर नॉट श्योर, डू नॉट नहीं, क्यों, श्योर क्या वर्ब होती है, केवल एडजेक्टिव भी तो होती है, तो ये एडजेक्टिव है यहां, वी आर नॉट श्योर अबाउट द वर्ड, सही है वो। कॉमा नहीं, कॉमा कैसे लगा दोगे, कहां कॉमा लगा दोगे आप, यहां पर कॉमा लगा करके ये करना चाह रहे हो कि ये वाला सेंटेंस हमारा जो है वो कॉम्प्लेक्स है, ये मतलब सबऑर्डिनेट क्लास है इसका, तो रिलेट किससे करोगे, किससे रिलेट करने की बात कर रहे हो आप, वेन वहां लगा दोगे, यहां से कोई मतलब है नहीं, कॉमा तो वैसे ही है, यहां कॉमा तो है ही है यहां पर, क्योंकि ये व्हेन वाला क्लॉज है, ये है ना, ये यहां तक तो कॉमा तो यहां लगे हैं। अब हम जब अगला क्लॉज शुरू करेंगे, तो अगर टेक से शुरू कर देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, लो, टेक का मतलब लो, तो ये तो इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, गलत हो गया। हाँ सर, एडजेक्टिव है, एक्सप्लेन तो कर रहे हैं बेटा सबा। देखो ये सेंटेंस अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आपने शुरू कर लिया है तो इसका मतलब ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, और ये कह रहा है जब हम किसी मीनिंग के बारे में श्योर नहीं होते हैं, इतना, जब हम किसी मीनिंग के बारे में श्योर नहीं होते हैं, डिक्शनरी की मदद लो, ये कह रहा है डिक्शनरी की मदद लो, तो ये कहना क्या चाहिए, जब हम किसी डिक्शनरी के मीनिंग के बारे में श्योर नहीं होते हैं, जब हम किसी मीनिंग के बारे में श्योर नहीं होते हैं तो हम डिक्शनरी की मदद लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये भी है। ये सेंटेंस देखो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है कि नहीं है बोल, और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहां वी आपको अपियर करना पड़ेगा, और श्योर आप भी होता है, हाँ श्योर अबाउट और श्योर आप दोनों होते हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल सही, अब सही हुआ ये। नहीं डबल नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल भी डबल नहीं होगा, वो अलग अलग मीनिंग दे रहे हैं, अगर यहां नहीं लगाओगे तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा, आ गया समझ, नहीं, डबल नहीं हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। नाउ अडेज 50 रुपीज इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट, चलो इसको बताओ, मैं हट जाता हूँ, कोने में आ जाता हूँ, यहाँ किनारे आ जाता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ, चुप ऐसे, चलो बचवा बताओ, गुड इवनिंग भैया विश्व विशंबर कनौजिया जी, कैसे हैं आप, इसी की जगह आर होगा सब नालायक है, बहुत बड़े वाले नालायक, मतलब इनको खाली एरर निकालने से, कैसा सेंटेंस इनका दे दो, एरर निकाल के दिखाते हैं, इतना बहुत शानदार बच्चे, चाहे तुम सही सेंटेंस दे दो वो एरर निकाल दे, विश्वानी सर के बच्चे हैं ना, 50 रुपीज में आर होगा, भले ही वो अमाउंट कहा जा रहा हो, इनको कोनो मतलब नहीं बात से कि वहां लॉजिक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बस अपना पेले पड़े हैं, आर होगा देखो ऐसा लगा वहां पे, अरे 50 रुपीज अमाउंट है नालायक, कितने अमाउंट है, अमाउंट कितने है? अमाउंट कितने है बताओ, नो एरर होगा, मार्क खराब कर दिया नालायक, ये नो एरर है, अरे भैया 50 रुपीज कह रहा है इज अमाउंट, तब दिमाग खराब है बिल्कुल, 50 रुपीज आर होगा, आर होगा, दिमाग खराब कर दिया बिल्कुल, फर्स्ट क्लास था, ठीक है भैया बिंद जी, आपको हम नहीं डांटे, हम नालायकों को डांटते हैं रोज, ये
ये राह पे ऐसे नहीं चलते, इनको रोज डांटना पड़ता है। किरण गंगवार खीसे निकाल ले, कितने दिन बाद क्लास में दिख रहे हो नालायक। आप तुमको मौका मिला है क्लास लेने का, अब की जो एक नंबर से रहा तो खोपड़ी फोड़ेंगे तुम्हारी, हमें सोच लेना कि सर जी दो नंबर पांच नंबर रह गया तो अब की नहीं छोड़ेंगे तुमको, सोच लो। अब की जो फोटो नहीं किरण गंगवार तुम्हारा यहाँ छपा तो सोच लेना। हम ये नहीं कहेंगे हमसे बुरा कोई होगा नहीं, क्योंकि हम बुरे नहीं है भाई। प्रीति अवस्थी कोई बात नहीं बेटा, हाँ रुपीज सही है बिल्कुल। अरे बेटा मेरा देखो रुपीज क्यों नहीं सही है भाई, देखो रुपी क्या है, ये एक कॉमन नाउन है कि नहीं है बोलो। तो अगर हम कहें फाइव रुपीज तो या फाइव हो गए तो रुपीज हो गया नहीं हो गया। जैसे हम फाइव मैन कहें तो फाइव मैन हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ये हो गया एडजेक्टिव हमारा, जो हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव है, और ये इसका कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर ये हो जाए फाइव रुपी और यहां पे आ जाए नोट, तो अब एक चीज और यहां बढ़ जाएगी आ, तो अब ये आ नोट हो जाएगा और ये फाइव रुपी का नोट हो जाएगा। अब ये एडजेक्टिव बन जाएगा, कौन ये वाला पूरा पोर्शन, अब ये एडजेक्टिव बन जाएगा तो यहां पर एस नहीं लगेगा। लेकिन ये तो क्लियर है ना बेटा, प्लूरल होना चाहिए, फाइव रुपीज आर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो फाइव रुपीज मिल करके एक अमाउंट बन गए हैं वो, ठीक है ना। तो अब जब अमाउंट बन गए हैं तो वो तो 50 रुपीज लिखा जा सकता है, लेकिन 50 रुपीज तब लिखा जाएगा जब उसके बाद एक और नाउन आ जाएगा, और ये नाउन इस डिटर्मिनर के द्वारा चलेगा। अच्छा इसमें सुपीरियर टू होगा, दिस वैरायटी ऑफ सर्च इज सुपीरियर टू एनी अदर इन द शॉप, बिल्कुल सुपीरियर टू होगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया, ये अच्छा बता दिया। चलो एक सेंटेंस और दो, राहुल वियर्स ओनली क्लॉथ मेड ऑफ कॉटन। चलो बताओ सेंटेंस, हाँ ध्यान कीजिएगा टू होगा, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। चलो ये बताओ, मैं हट जाता हूं किनारे ही रहूंगा, मैं ऐसे ही चुपचाप यहां खड़ा रहूंगा कोने में। बीबी बीबी कर रहे हैं सब, क्या बीबी बीबी कर रहे हो, हिम्मत नहीं सेंटेंस का सही बताने की, खाली बीबी बीबी कर रहे हो। ओनली मेड ऑफ क्लॉथ, केवल बने हुए और कुछ नहीं, ओनली जो है गड़बड़ कर रहा है मामला, ओनली की पोजीशन गड़बड़ है, नहीं ओनली यहां नहीं रहेगा, मेड ऑफ ओनली कॉटन यहां रहेगा मोहन। देखा राहुल वियर्स क्लॉथ मेड ऑफ ओनली कॉटन, बने हुए केवल कॉटन से, ये सेंटेंस होगा। हाँ ओनली कॉटन, तो ओनली तो एक यूनिवर्सल एडवर्ब है जो जहां भी लगेगा। हाँ ओनली, अरे यार अगर कह दोगे राहुल, ये सेंटेंस में ओनली यहां रख, यहां पर ओनली, अब देखो मीनिंग, राहुल केवल पहनता केवल पहनता है कपड़े, केवल कपड़े पहनता है कॉटन से बने हुए, केवल पहनता है कपड़े कॉटन से बने हुए। अगर इस ओनली को हम यहां रख दें जहां पे यहां है, तो राहुल वियर ओनली क्लॉथ कॉटन से बने हुए केवल कपड़े पहनता है और कोई चीज नहीं पहनता है, ये गड़बड़ हो गया फिर से। और अगर इसको उठा के हम यहां लगाते हैं ओनली, तो राहुल वियर्स क्लॉथ केवल बने हुए, सिले हुए नहीं केवल बने हुए कॉटन से, फिर गड़बड़ हो गया। तो अब क्या करें, हम ओनली को उठा के यहां पर रखें, आप देखो सही हो गया, राहुल वियर्स क्लॉथ मेड ऑफ ओनली क्लॉथ, समझ में आया कि नहीं आया, समझ गए। जैसे ही बॉट
मी माई ओनली बुक। ये सेंटेंस देखो, अब जरा ये सेंटेंस देखो, ही बॉट मी ओनली माई बुक। सेंटेंस देखो जरा, अब जरा ये देखो, ही बॉट ओनली मी माई सर माई बुक। और ये सेंटेंस देखो, ही ओनली बॉट मी माई बुक। समझ में आ रही है बात? तो ये ओनली एक यूनिवर्सल एडवर्ब है, ये हर जगह कमाल करता है। उसने खरीदा मुझे, मेरे लिए, माई ओनली बुक, मेरी इकलौती किताब मेरे लिए खरीदा, ये है इसका मतलब। He bought me only my book. उसने केवल मेरी किताब खरीदी। He bought only me. उसने केवल मेरे लिए मेरी किताब खरीदी। He only bought me my book. उसने केवल खरीदी मेरे लिए मेरी किताब। उसने केवल खरीदी और कुछ नहीं किया, मेरे लिए मेरी किताब। और अगर यही उठा के यहां लगा दें हम, तो केवल उसने मेरे लिए एक किताब खरीदी, ये इसका मतलब हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? बस भैया, बस ये प्यार है आपका, मोहब्बत है आपकी। और अगर आपको हमारे बैच से जुड़ना है, एलटी ग्रेड के बैच से, तो आपको एलटी प्लस टीजीटी और पीजीटी की, ये बढ़िया, आप सालों साल आप तैयारी करते हैं तभी आपका सिलेक्शन होता है। तो 5-6-7 महीने हमारे साथ बिताइए बढ़िया आराम से। जब तक नोटिफिकेशन आएगा देखेंगे, जब तक जितने एग्जाम आएंगे सबकी तैयारी मैं करवाऊंगा आपको। टीजीटी पीजीटी आर्मी पब्लिक स्कूल चल रहा है, फॉर्म भरिए आप लोग बढ़िया आराम से। मैं उसका सिलेबस देख लूंगा, लगभग समान है, उसको भी रेल दूंगा। अभी डीएसएसबी में एक बिटिया का मैं सिलेक्शन हुआ, अभी रिजल्ट आया उस दिन। तो ये सब आपके चलते रहेंगे। आप जब सालों साल तैयारी करते हो तभी आपका बीच में कहीं ना कहीं हो जाता है। और आप नोटिफिकेशन आने के बाद आप कोचिंग ढूंढते हो, तो आपके लिए आप कहने की जरूरत नहीं है कि आपको समस्या है, तो होती ही होती है, ठीक है ना। और आपको डायल वही करना जो नीचे नंबर लिखा है, 7023030918, 6375972445। ये दोनों नंबर में से कोई एक डायल करिए, हमारे साथ जुड़िए। और अगर मेहनत करने की क्षमता है तो आ जाइए हमारे पास, फिर पता नहीं कहाँ भूल जाता। नहीं बेटे, आप उसको बार बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि कल की क्लास दोनों में, 6 और 8 वाली, 7 वाली पेड वाली, दोनों क्लासेस में लाइव के बाद प्राइवेट कर दूंगा। तुम नालायकों के दिमाग नहीं सही होते हैं, 200-250 लोग एडमिशन लिए हुए हैं उसमें, बैठे हुए हमारे 235-235 के करीब, और 100-115-110 लाइव में रहते हैं। शर्म नहीं आती तुमको कि पैसा देने के बाद तुम कोचिंग नहीं आते हो पढ़ने के लिए? तुम्हारा दिमाग खराब है बिल्कुल? कौन सा इतना ठंडक हो रही है, कौन सा इतना पानी बूंदी हो रही है, घर में बैठ के तुमको नालायक क्लास लेनी है? कल दोनों क्लासेस, अभी ये दोनों क्लासेस जो 6 और 7 वाली हुई है, अभी मैं प्राइवेट करवा रहा हूँ आशीष उससे कह के, अविनाश से, और इसके बाद कल वाली लाइव के बाद तुरंत मैं प्राइवेट कर दूंगा। बात समझ में आ गई? अभी मैं कर रहा हूँ, पहला काम यही करूंगा, मैं प्राइवेट करूंगा दोनों 6 और 7 वाली क्लासेस। बहुत नालायक की सवार है तुम्हारे। आखिर 4 घंटे लाइव क्लास में कभी तो एक साथ पूरा परिवार बैठ के खाना खाओ यार, 24 घंटे में तुमको, 24 घंटे रात में 9 बजे भी तुम कौन सा हुंडी सकेलते हो, कौन सा वो किसकी पीठ में तेल मलते हो, रात के 9 बजे किसकी मालिश करते हो, बताओ हमको जरा, कौन सा काम करते हो? रात के 9 बजे तुमको लाइव आने की फुर्सत नहीं है? 250 लोग एडमिशन लिए पड़े हो उसमें बैच में, दिमाग खराब करके रख दिया मेरा? तुमको 6 बजे टाइम नहीं है, सुबह 7 बजे टाइम नहीं है मानते, 8 बजे टाइम नहीं है, 7 बजे टाइम नहीं, रात में 9 बजे टाइम नहीं, रात में 12 बजे पढ़ोगे? 12 बजे रात में पढ़ाओ तुमको, चाहते क्या आखिर? अभी मैं प्राइवेट कर रहा हूं, ये धमकी नहीं है, उतर के दिखाऊंगा खरा।